टोंक जिले के उनियारा से खबर है, जहां आदर्श ग्राम पंचायत बनेठा में नालियां अवरुद्ध कचरों के ढेर में तब्दील होने से गंदगी का आलम यहां पर देखने को मिल रहा है। स्वच्छता अभियान की खुलेआम यहां पर धज्जियां उड़ रही है, जिसके चलते दुकानदार खासे परेशान हैं। फिर भी ग्राम पंचायत सहित आला अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। तो पंचायत सहित आला अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। आदर्श ग्राम पंचायत बनेठा की नालियां अवरुद्ध, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं खासा गंदगी इन नालियों में इस समय जमा है, और यहां के रहवासी, व्यापारी, तमाम वर्ग परेशान है इस गंदगी से, लेकिन अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। तो टोंक उनियारा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गंदगी का आलम बढ़ता जा रहा है। स्वच्छता अभियान की धज्जियां यहां पर उड़ती दिखाई दे रही है। आदर्श ग्राम पंचायत बनेठा में बनी नालियों की तस्वीरें हैं, जो कि पूरी तरह से कचरे से अटी हुई हैं, अवरुद्ध हैं। कचरों के ढेर में ये तब्दील होने से गंदगी का आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टोंक से हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब तमाम अधिकारी और स्वच्छता अभियान की बातें की जाती है, बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, नालियां अवरुद्ध है, कचरे का ढेर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बताना चाहूंगा, आदर्श ग्राम पंचायत बनेठा है, इसमें जो नालियां है वो अवरुद्ध है, और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हर जगह गंदगी के आलम है, जिससे बीमारियां कुल जो ग्रामीण है उनको बीमारियां लग रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य अभियान में जो लाखों रुपए का बजट आता है वो कहीं ना कहीं डकार दिया जाता है, जिसके बाद ये जो गंदगियां हैं वो सरेआम दिख रही है, ना कोई सफाई होती है ना कुछ होती है। इसके चलते जो दुकानदार है वो भी परेशान है, बदबू जो बाजार में बदबू रहती है। लगातार शिकायतों के बाद भी कोई आला अधिकारी या जो ग्राम पंचायत के अधिकारी वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, गंदगी जैसी की तरह बनी हुई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए भूपेंद्र।